हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये है गिरिडीह का शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क जो गिरिडीह में है। अगर आप गिरिडीह से हैं तो एक बार जरूर आए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर से वॉल आर्ट किया गया है। इसमें झारखंड के कल्चर्स के बारे में ही बताया गया है। ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये, बहुत सुंदर से बनाया गया है। ये जो होता है इसको पादा बोलते हैं, और इसको ना उठा के साफ किया जाता है, फिर इसमें मछली वगैरह पाला जाता है, तो इसमें अभी पाना पूरा भर गया है। एक बना हुआ है, बैठने की व्यवस्था की गई है, मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। देखिए, और ये भी जाइए कृपा, देखिए फट से बैठ गया, और ये कौशल भी रेडी है जाने के लिए, ये खुद जाके सट से बैठ गया। देखिए मम्मी का कपड़ा कैसे लगे, ये अपने पापा को दोनों छोड़ दिया और अपनी मम्मी के पास जाके बैठ गया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क जो कि गिरिडीह में स्थित है, हटिया रोड में। तो अभी कौशिक जी गए हैं टिकट लेने के लिए, बस 10 रुपये का टिकट लगता है एक जन का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं सविता चक्रवर्ती। आज हम लोग पहुंच चुके हैं शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क में। तो अभी बस हम लोग जस्ट गेट के सामने ही खड़े हैं, अभी हम लोग अंदर जाएंगे और इसका पूरा व्यू दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे टिकट चेक किया जाता है, यहाँ पे सामने गार्ड्स भी रहते हैं जो कि टिकट चेक करते हैं। तो आप टिकट लेके ज़रूर आए, क्योंकि बिना टिकट का अंदर आपको आने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये है गिरिडीह का शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क जो गिरिडीह में है। अगर आप गिरिडीह से हैं तो एक बार ज़रूर आए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और काफ़ी सस्ता सा पार्क है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा का टिकट भी नहीं है, 10 रुपये लगते हैं टिकट का। अगर आप गिरिडीह से हैं तो एक बार ज़रूर आए और इस पार्क का आनंद उठाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये चाइनीज़ चांदनी का प्लांट है, ये कितना सुंदर यहाँ पे पूरा घना हो गया है और बहुत ही बड़ा हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सारे फ्लावर्स भी आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये एरिका पंप है, बहुत ही बड़ा हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कछुआ भी है जो वेलकम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर से वॉल आर्ट किया गया है। इसमें झारखंड के कल्चर्स के बारे में ही बताया गया है। ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये, बहुत सुंदर से बनाया गया है। चारों तरफ दीवार में इस तरह पेंटिंग बनाया गया है। ये आपका यहाँ वॉशरूम्स बनाया गया कि जो बाहर से आ रहे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। ये दीवार पे भी आपका वॉल आर्ट है, बहुत सुंदर से प्लांट यहाँ लगाया गया है। चारों तरफ हरियाली हरियाली लग रहा है, ऐसे कि कोई हम लोग कहीं फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पॉन्ड भी है, आपको दिखा रहे हैं, चलिए आपको लेके चलते हैं। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आप हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पे सीढ़ी है, यहाँ से नीचे भी आप जा सकते हैं, मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। ये जो होता है इसको पादा बोलते हैं, और इसको ना उठा के साफ किया जाता है, फिर इसमें मछली वगैरह पाला जाता है, तो इसमें अभी पाना पूरा भर गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि पाना कैसा होता है। तो देखिए, मेरे हस्बैंड पहले जा रहे हैं दिखाने के लिए, मैं भी पीछे से आ रही हूँ। अरे ये पानी में ये छोटे छोटे पौधे हैं निकल चुके हैं, और ये देखिए पानी कितना गंदा है। इसमें बोटिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें बोटिंग अभी नहीं होती है फिलहाल। और देखिए ना फ्रेंड्स, ये पॉन्ड्स का स्थिति आप देख रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि पूरा पॉन्ड्स में फ्रेंड्स जो पानी के पौधे जो होते हैं वो पूरा चारों तरफ भर चुके हैं, और ये जो बोटिंग की व्यवस्था थी वो बोटिंग भी
पूरी तरह से बंद, देखिए वहाँ पे रखा हुआ है बोट, बोट था। इस पार्क में मेंटेनेंस का शायद मुझे लग रहा है कि अभाव है। और चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है, वो सब आपको दिखाएंगे। ये देखिए कौशल अंकिता खड़ी है, दोनों भाई बहन एंजॉय कर रही है। और चलो चलो आगे चलते हैं, चलो देखिए यहाँ पे एक बोट भी रखा हुआ है। ये जो बोट है ये उल्टा करके रखा हुआ है, ये पैडलिंग करके। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये बोट कैसे चलती है। और यहाँ देखिए ब्लेड है, ये जब हम लोग पैडलिंग करते हैं तो ये राउंड राउंड घूमता है और पानी को काटता है, जिससे बोट आगे और डायरेक्शन चेंज करती है, आगे पीछे बढ़ती है, राइट ना। ये जस्ट बोट को उल्टा करके रखा हुआ है। कौशल अभी दिखा रहा है वहाँ पे एक डक है, मैं जूम कर देती हूँ, देखिए डक। ये देखिए दीवार में ब्यूटीफुल वॉल आर्ट पेंटिंग किया गया है। और ये कौशल कृपा पार्क एंजॉय कर रही है। वो उस झूला को आप देख रहे हैं, कुछ स्लाइड्स लगा हुआ, हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पानी आप देख रहे हैं पॉन्ड, इसमें बोटिंग की व्यवस्था की जाती थी लेकिन अभी वो बोटिंग सेंटर बंद है। ये बैठने का सुविधा बना हुआ है, बैठने की व्यवस्था की गई है, मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ, देखिए। और ये भी जा रही है कृपा, देखिए फट से बैठ गया। और ये कौशल भी रेडी है जाने के लिए, ये खुद जाके सट से बैठ गया, देखिए मम्मी का ये अपने पापा को दोनों छोड़ दिया और अपनी मम्मी के पास जाके बैठ गया। ये बताइए ये गलत है ना या नहीं, अपने कमेंट्स में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते क्या क्या है। कृपा का खुशी का ठिकाना नहीं है, देखिए ये बड़ा सब बैठने का व्यवस्था की गई है और स्नेक्स के रूप, देखिए ये बैठने का फिर एक व्यवस्था किया गया है। ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है स्नेक के रूप में है, ये बड़ा सा स्नेक के रूप में बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ये इंजॉय कर सकते, बैठ सकते। देखिए देखिए कौशल क्या कर, कितना बड़ा स्नेक्स है, इसमें बैठ भी सकते हैं। देखिए कौशल कृपा और सविता दोनों तीनों स्नेक्स का राइडिंग कर रही है। कभी कभी कहीं आप देखें क्या कोई स्नेक्स का राइड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंजॉयमेंट ये लोग बच्चे लोग कर रहे हैं। ये देखिए वॉल आर्ट, ये स्टील का रेलिंग दिया गया है प्रोटेक्शंस के लिए। कोई गिर ना जाए, सुंदर बालकनी जैसा बना हुआ है। मैं अभी सामने जाऊँ, सामने जाऊँ। पूरा पार्क का एंजॉयमेंट ले सकते हैं आप, पूरा पार्क का व्यूज ले सकते हैं आप। कौशल आप इधर आओ और कुछ तुम भी बताओ, यहाँ कैसे लग रहा है, कुछ तो बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। और कृपा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर पूरा जंगल के जैसे हो गया। मैडम आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए जब आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलिए आप लोगों को भी शायद ये पार्क बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इसका अगर प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाता तो और सुंदर लगता। अभी जो इसके प्लांट है ये देखिए, बड़ा बड़ा ट्रीज भी यहाँ है और इसमें कुछ चिड़िया घोंसला भी बनाई हुई है। देखा मैं तो फिस्ट है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा ट्रीज यहाँ भी है और इसमें चिड़िया घोंसला भी बनाई हुई है। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज है, शाम के टाइम हो रहा है, 5:30 हो रही है।
तो आप देख सकते हो ऊपर कितना प्लांट्स बढ़ गया है एकदम, मतलब ठीक से इसका भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है लगता है, इसलिए ऐसा हो गया है। हम लोग एक पहले भी आ चुके हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे बैठने का भी व्यवस्था है, तो उस टाइम ऐसा नहीं था। बोलो हम लोग पार्क स्लाइड्स की तरफ बढ़ रहे, बच्चे लोग इसी को वेट कर रहे थे कि किधर स्लाइड से किधर स्लाइड से। चलिए देखिए कृपा अभी से बोलिए स्लाइड किधर है। कौशल अभी ऊपर चढ़ रहा है स्लाइड करने के लिए। बहुत अच्छा है ये। ये देखिए कौशल ऊपर से आ रहा है। 1 2 3 तो देखिए यहाँ पे भी बैठने की जगह है, और ये देखिए वॉल आर्ट बहुत सुंदर इंडियन पेंटिंग किया गया है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे कड़ा है, वाव कितना सुंदर पेंटिंग है। चलिए फ्रेंड्स फाउंटेन के पास चलते। वाव कितना सुंदर है। वाव मम्मी मुझे फाउंटेन के मम्मी जाना है। ओ फाउंटेन के पास जाना है, चलो लेके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये फाउंटेन कितना सुंदर लग रहा है। मैंने और भी दो पार्क का वीडियो बनाया है जिसमें भी फाउंटेन्स है, लेकिन ये वाला ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड्स। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिश का शेप में बना हुआ है, बैठने का सीट ये बना हुआ है, ये फिश जैसा बना हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए यहाँ पे कौशल और कृपा दोनों बैठ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी कौशिक भी जाके यहाँ पे बैठ रहे हैं।
देखो बैठने वाला पिकाक है, मैं बैठूंगी। चलो चलो बस देरी फोन आओ। फ्रेंड्स चलिए वहाँ पे एक कैंटीन भी है, कैंटीन दिखाते हैं आपको। देखिए हम लोग कैंटीन के पास आ चुके हैं, आपको जाके और दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा बैठने की व्यवस्था की गई है, बहुत ही साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है, तो मैं आपको बैठ के यहाँ पे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ, अब सामने में कैंटीन है, अब यहाँ पर मैं ऑर्डर करूँगी खाना और फिर यहाँ पर बैठ के खाना खाऊँगी और इन्जॉय करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैं मजाक कर रही थी छोटा सा। तो यहाँ पे आप शांति से बैठ के अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप इन्जॉय कर सकते हैं खाना, या सामने में ही कैंटीन है ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है उसके मेनू भी आपको सामने पे मिल जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स आप कैंटीन के जस्ट बगल में ही देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल में इंडियन पेंटिंग किया गया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे पानी का नल है जहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए क्योंकि शाम हो चुकी है। तो आज आई होप आप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिसकी वजह से रिलेटेड ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।